हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों, ये ध्यान से देखना और क्लास को पूरा एंड तक देखना। एक परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा कि उन समूहों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका 10th के एनसीईआरटी मैथ का। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही मिलता है सब कुछ इस जहां में मेरे यार, भला इन हाथों के लकीरों में रखा क्या है। तो जो आप करोगे उसी पर आपका भाग्य बनेगा, तो किसी के कहने से भाग्य के भरोसे नहीं बैठना आज से। चलिए देखिए, इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को जो है वो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। पहले तो आप ये समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, सेना नाम आप सुने हो आर्मी, इंडियन आर्मी है ना। 616 सदस्य मतलब मेंबर, मतलब इंडियन आर्मी का एक सेना है, यानी कि टुकड़ी मतलब होता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी बिहार रेजिमेंट या फिर कोबरा रेजिमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे रेजिमेंट या अलग अलग पार्ट में आर्मी बटी होती, मतलब उनको हिसाब से मैनेज किया जाता है कि ये इस बटालियन के हैं, 498 बटालियन फलाना फलाना है, सुना ना आपने। तो वैसे 616 सदस्य हैं, 616 मतलब आर्मी के जवान हैं एक टीम में, और एक दूसरी जो टीम है उसमें 32 सदस्य हैं आर्मी बैंड के पीछे। इनको मार्च करना, मार्च मतलब आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी पर जब बैंड ऐसे बजता है और ऐसे आर्मी के जवान मतलब सैल्यूट करते हुए चलते हैं, या फिर आप पुलिस लाइन अगर आपके आसपास है तो देखो उसमें जो पुलिस के जवान हैं वो लोग मार्च करते हैं जब 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाया जाता है। इसके अलावा और भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें, तो इसी को बोलते हैं मार्च करना, मतलब बैंड बजता रहता है और आगे पीछे एक बराबर लाइन में सभी जवान जो है एक अच्छी मतलब उसमें स्टाइल में जैसे भी मतलब होता है वो सब चलते हैं, मतलब घूमते हैं, उसी को मार्च करना बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकें। इसमें एक चीज़ और है, इसमें स्तंभों की संख्या समान है, ये भी तो कहा है ना। देखो, स्तंभों की संख्या समान है, मार्च करना है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों समूहों को समान स्तंभों वाली संख्या में मार्च करना। इसमें मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दिया, नहीं लिखा उसे आप लोग समझ लो। ठीक है, देखो बीच में आप क्वेश्चन समझो पहले, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ठीक है, पूरा है, मार्च करना है। उसके आगे लिखा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बुक आपके पास है एनसीईआरटी, तो आप देख लो उसमें, अगर नहीं है बुक तो इसके बाद लिख लो मार्च करना है कि आगे लिख लो दोनों समूहों को समान स्तंभों वाली संख्या में मार्च करना है। उसके बाद फिर इसको लिखना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, बस वही समान वाला बीच में लिखना है, दोनों समूहों को समान स्तंभों वाली संख्या में मार्च करना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक चीज़ मिल रहा है, क्योंकि दोनों जो आर्मी के जवान हैं या फिर जो भी टुकड़ी हैं उनके जो स्तंभों की संख्या है, स्तंभ और कालम मतलब आपने सुना होगा ना। देखो, स्तंभ या कालम बोलें या फिर पंक्ति या स्तंभ बोलें, पंक्ति का मतलब होता है ऐसे लाइन, स्तंभ का मतलब होता है ऐसे खड़ा खड़ा। ठीक है, जैसे कोई चीज़ खड़ा है तो ये स्तंभ का रूप है, ये पंक्ति का रूप है, तो दोनों में अंतर समझ लो आप। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आर्मी की दो टुकड़ी हैं, पहली टुकड़ी में 616 सदस्य हैं, दूसरी में 32 सदस्य हैं, यही ना। तो आप इसे लिखोगे कॉपी में, आप लिखिए प्रश्नानुसार, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए, क्योंकि सब कुछ हम बोर्ड में लिख नहीं सकते हैं। प्रश्नानुसार, आर्मी की टुकड़ियों के दो समूह हैं और समूह में स्तंभों की संख्या एक समान दी गई है, समूह में स्तंभों की संख्या एक समान दी गई है। उसके बाद लिखना पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर, कितनी है यहाँ पे लिखा है 616 ना, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 616। फिर आगे लिखो दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर कितना है, कह रहा कि 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32 है। ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लगभग बस सब पूरा हो चुका है। अब एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैंने बहुत पहले बताया था जब अधिकतम या न्यूनतम का बात आए, अधिकतम मतलब HCF, हर जगह जहाँ पर अधिकतम या बड़े से बड़ा
आपने सुना होगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी जहाँ आए वहाँ HCF, छोटी से छोटी जहाँ आए LCM, तो यहाँ पर अधिकतम संख्या निकालना, मैक्सिमम मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। इतना बात अपने दिमाग में समझ लो बस। अब लिखो प्रश्नानुसार, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें HCF निकालना होगा। नीचे लिखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें HCF निकालना होगा। लिख लिया इतना, उसके बाद आगे लिखो, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूँकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा आपने पढ़ा है उसका यूज करके ही होगा, उसी का चैप्टर है, तो हम क्वेश्चन मिटा के ऊपर इसको हल कर देते हैं। आप लोग देख लेना, चूँकि जगह कम है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, बिल्कुल बिना देर करे हुए अब हम ऊपर क्वेश्चन को हल करेंगे। लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या करेंगे, नंबर आपके पास दो हैं, एक 616 एक 32 है। आप जानते हैं कि ऐसे आप भाग देंगे, 616 ये क्या है, भाज्य है। इधर साइड इसका तरीका सीख लो, आपको मैंने करके दिखाया था, 616 इसमें 32 से भाग करोगे तो कितना बार जाएगा, करके देख लो आप जल्दी से, कर लो कितना बार जाएगा, लगभग 19 बार जाएगा। पहले एक बार जाएगा तो ये 32 इसमें से घटाओगे 9 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 6, उसके बाद आपका 9 बार जाएगा, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 एक 28, 288। उसके बाद जब इसको घटाओगे आप लोग तो देखोगे कितना आएगा, 8 आएगा लगभग ना, कितना आएगा, 8 आएगा ना, तो देख लो ये हो गया। अब आपने पढ़ा था कौन सा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, हिंदी में मैंने बताया था, जबकि यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर ना, तो ये मान क्या है, ए है, ए मतलब जो आपका डिविडेंड है यानी कि भाज्य, बी क्यू, बी मतलब आपका जो बी मतलब क्या होगा, क्यू, क्यू मतलब क्वेश्चन जो ऊपर जाता है, और बी का मतलब भाजक यानी 32, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे 32 गुणे 19 धन 8। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपने सीखा था कि ये पहला चरण हो गया, ये चरण हम तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है। अब नीचे आप एक लाइन और लिखो, चूँकि शेष 0 आ रहा अतः यह प्रक्रिया हम दोबारा से दोहराएंगे, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अतः ये क्रिया हम दोबारा से दोहराएंगे। तो दोबारा से दोहराओगे मतलब क्या, इसको लिख लियो ना, दोबारा से दोहराने का मतलब ये है कि जैसे आप भाग विधि से HCF करते थे, अब 8 इधर लिख लो और ये 32 यहाँ लिख लो भैया, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 चौक 32, देखो शेषफल 0 हो गया। दोबारा वाली प्रक्रिया में आपका आ जाएगा 32 बराबर 8 × 4 धन 0, अब शेषफल 0 आ गया। अब नीचे लिखो, चूँकि शेषफल 0 आता है अतः भाजक 8 प्राप्त हुआ, क्योंकि शेषफल 0 आता है अतः भाजक 8 प्राप्त हुआ, इसलिए 616 तथा 32 का HCF 8 होगा। देखो यार लिखो, देखो नहीं, कुछ लोग तो मुंह देख रहे होंगे कि लिख दें तो छाप लें, जब हिंदी भी नहीं पढ़ना आता तो कौन सा बोर्ड का एग्जाम दोगे, ठीक ना, इसलिए लिखो, क्योंकि शेषफल 0 आता है अतः भाजक 8 प्राप्त हुआ ना, ठीक, नीचे लिखो, या फिर भाजक 8 है अपने हिसाब से लिख सकते हो, मतलब समझो बस, फिर नीचे लिखो इसलिए 616 और 32 का HCF 8 है। उसके बाद आगे क्या करोगे, अब नीचे जो पूछा था मुख्य, कह रहा था कि एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो तो मैं उत्तर लिखवा देता हूँ, उत्तर तो आ गया। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि वे मार्च कर सकें, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ऐसे है। तो अब नीचे लिखो स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। देखिए जो बोला जाता है उसको आप लोग लिखा करिए, अब बच्चे नहीं है कि हम बोर्ड पे काखा गागा लिखेंगे तो आप छाप लोगे, ठीक ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, इसके बाद हम
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करिए और बने रहिए हमारे साथ। हर दिन ये क्लास आप सुबह 8 बजे से देख सकते हैं। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ पाना चाहते हैं, कंप्लीट मतलब एक एक क्वेश्चन या छोटी छोटी क्लास नहीं, बड़ी बड़ी क्लास, मैराथन क्लास, तो उसके लिए आप प्रीमियम क्लास ज्वाइन करिए। PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। फिर साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।